गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर थर्ड बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम ही बहुपद है। बहु का मतलब होता है अनेक, पद मतलब होता है पद। ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों बहुपद कहलाता है। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है एक पद वाला जो व्यंजक होता है वो एक पदी व्यंजक कहलाता है, दो पद वाला व्यंजक द्विपद व्यंजक कहलाता है, तीन पदों वाला व्यंजक त्रिपद कहलाता है। इसी तरीके से यदि किसी व्यंजक में खूब सारे पद हों, बहुत सारे पद हों, तो ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद जो होता है उसकी जो बेसिक फॉर्म है, व्यापक रूप जिसे मैं कह सकता हूँ, और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। यहां पर हम द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद का मतलब बताया बहुत सारे पद जिसमें हो, और द्विघाती मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, दो। ऐसे बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या बताया मैंने कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, दो, तो ऐसे बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप है, जो बेसिक फॉर्म है इसकी, वो इस फॉर्म में होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां देखें आप, अधिकतम घात कितनी है, दो, इसका मतलब ये द्विघाती द्विघाती है। और पद हमको दिख रहे हैं खूब सारे पद, इसका मतलब ये बहुपद है। इसको कहेंगे हम द्विघाती बहुपद, ये इसका बेसिक फॉर्म है। यहां पर आप अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, एक। एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर को छुपा दो, गुणे के रूप में यहां जो कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन है, और इसका जो गुणा बना वो कितना बना, एक। इसी तरीके से मैं एक्स के गुणा की बात करूंगा तो एक्स को छुपा दिया तो क्या लिखेगा, बी लिखेगा सर। इसका मतलब एक्स का गुणा कितना हो गया, सी। जहां पर एक्स नहीं आए, जहां पर एक्स नहीं आए वो कहलाएगा अचर। तो अचर का कितना है, सी। ऐसी कंडीशन में जहां पर एक्स नहीं आता है तो जो बचा हुआ पद है वो सी अचर पद कहलाता है। यहां पर आप देखें अधिकतम घात दो है, तो ऐसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही एक्स के मान मिलेंगे। यहां पर एक्स पर घात कितनी है, दो, तो एक्स के भी यहां पर आपको दो मान मिलेंगे। एक्स के मान की बात कर लूं, कहीं पर भी आप इस तरीके से लिखा होगा x का मान x के शून्य, x के मूल, x के हल या x की वैल्यू, ये सभी चीजें सेम है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मान शून्य मूल हल और वैल्यू सबका मीनिंग एक ही होता है। अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो x के मान भी, x के शून्यक भी हमें कितने मिलेंगे, दो। जो शून्यक मिलते हैं उसे पहले शून्यक को हम अल्फा से डिनोट कर देंगे, और दूसरा जो शून्यक है उसे हम बीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो पहला शून्य, दो शून्य है यहाँ पर, एक्स के दो मान है, तो पहला जो मान होगा उसको हमने अल्फा से डिनोट कर दिया, और जो दूसरा मान है उसे हमने बीटा से डिनोट कर दिया। ये जो दोनों मान आए हैं एक्स के, ये जो दो मान आए हैं, अगर मैं इनका योग करूँ तो आंसर कितना आएगा, अगर मैं इनका गुणा करूँ तो आंसर कितना आएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है। वो फॉर्मूला किस तरीके से है, शून्यकों का योग, इसको हम शून्य अल्फा है,
शून्य बीटा है इसको हमने प्लस करना है, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे इसको, माइनस बी बटे ए, माइनस फॉर्मूले का है, बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, बी होता है एक्स का मान। इसी तरीके से ए, ए आपको यहाँ से मिलेगा, ए होता है एक्स स्क्वायर का मान। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास सी बाई ए, सी क्या होता है अचर पद और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। तो जो भी हमें बहुपद दिया होगा, कैसा बहुपद, द्विघाती बहुपद, उसमें सबसे पहले आप ए बी सी का मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ये बताया आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी। शून्यकों का योग ज्ञात करना है, फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, बी यहाँ से सी यहाँ से वैल्यू मिल देंगे, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। फिर अल्फा बीटा निकालना है, सी यहाँ से देंगे, ए यहाँ से देंगे, दोनों की वैल्यू मिल देंगे, तो मुझे अल्फा बीटा मिल जाएगा। यहाँ पर इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, जो बहुपद दिया हुआ है इसका क्या ज्ञात करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। और ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, देखिए मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है, दो है, इसका मतलब एक्स के दो मान मिलेंगे, वो दोनों मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद आगे क्या कहेंगे, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद आपको शून्यक जो है और उसके गुणांक, गुणांकों से हमने क्या निकाला था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। कैसे, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए निकाला था। उसके बीच में जो रिलेशन निकल रहा है, संबंध निकल रहा है, वो सही है या नहीं, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, यहाँ देखिए आप सिर्फ दो ही पद है, तो जो चीज कॉमन निकल रही है सबसे पहले आप उसे कॉमन निकाल देंगे। उसके पहले आपको 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0 कर लेना है, क्योंकि कभी भी शून्य ज्ञात जब हम करते हैं तो हमारे पास इक्वल में 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमने 4x कॉमन निकाला। कॉमन का मीनिंग ये होता है कि ऐसा पद जो सभी में आए, यहाँ पद कितने हैं, दो हैं, तो 4 देखिए आप, 4 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि 8 के टुकड़े 4×2 होता है, इसका मतलब 4 यहाँ भी आ रहा है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग है एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स तो आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, इसका मतलब कॉमन हुआ 4x। तो जो चीज कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हुए चलते हैं, भाग लगाते हुए चलते हैं, तो 4x स्क्वायर में 4x का जब भाग लगाओगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर में जब एक्स का भाग लगाएंगे प्लस का निशान है। देखें आप, x से x कट गया, 4 जो है 8 में भाग होगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, इक्वल टू 0। यहां देखें बीच में गुणे का निशान है, कभी भी ऐसी कंडीशन आ रही है दो पदों के बीच में गुणे का निशान है, तो उसको सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल करना है। तो 4x इज इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 4 गुणे में है, भाग भी जाएगा, जैसे ही 0 बटे 4 होगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, और यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, प्लस का है इधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की आपके पास दो वैल्यूज आ गई,
की बात करी है, अधिकतम भाग 2 है, इसलिए x की वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। अब हमें जांच करनी है, सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं, ये है और ये है। पहला शून्य 0 है, दूसरा शून्य -2 है, और इसका आपको क्या करना है, योग करना है, इसके प्लस का। आगे चलते हैं, ये 0 है तो ये प्लस माइनस माइनस, इसको और सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 है। शून्य को भी योग के लिए फॉर्मूला था -b/a, माइनस फॉर्मूले का है बी, बी जो होता है वो एक्स का बराबर होता है, एक्स कितना है 13 और इसका गुणांक कितना है 8, तो बी की जगह हमने 8 बटेगा निशान। ए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये और इसका गुणांक कितना है 4, ये 4, 4 के काटने से हमने इसको काट लिया तो -2, तो दोनों साइड्स कैसी आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब शून्यकों के योग के लिए जो मैंने ये सत्यता की जांच की है मेरी बिल्कुल सही है। यहां से मैं क्या निकालूंगा, अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य दिए हैं इनका गुणा करना है, 0 का गुणा मुझे -2 से करना है, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करूं तो 0 ही आता है। अब आता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, c/a, c का मतलब क्या बताया था, अचर पद, और अचर पद के लिए क्या कहा, जहां x नहीं होगा वो अचर पद कहलाएगा। देखो x यहाँ है, x यहाँ है, ऐसी कोई कंडीशन है जहां x नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब c क्या बनेगा, 0 बनेगा। और a, a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। इस तरीके से हमने सत्यता की जांच कर ली। सेकंड क्वेश्चन पे आए, अब सेकंड क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ 3 पद है, तो इसको हम कहते हैं त्रिपद गुणनखंड। क्या कहते हैं, त्रिपद गुणनखंड। जब त्रिपद गुणनखंड आता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, आप ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं सत्यता की जांच की फॉर्म में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर ये कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपद गुणनखंड का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 4x²-4x+1=0 कर दिया, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 4 पद हैं तो अगले स्टेप में, सॉरी यहाँ पर 3 पद हैं तो अगले स्टेप में आपके पास 4 पद आएंगे। जब भी हम त्रिपद गुणनखंड की बात करते हैं और तो अगले स्टेप में अगर 3 पद हैं तो अगले स्टेप में आपके पास 4 पद आएंगे, तो 4 पद आएंगे तो पहला पद और आखिरी पद जो होगा वो आप एज इट इज देखेंगे। पहला पद कितना है 4x² लिख दिया, आखिरी पद कितना है +1 लिख दिया, =0 कर दिया। मैंने बोला क्या 4 पद आएंगे तो 2 पद तो आ चुके हैं, 2 पद और आते हैं वो इसके बीच में आए, तो यहाँ पर जो भी सही है दूसरे पद की बात कर रहे हैं वो आया था, क्या सकते हैं ब्रैकेट डाल देंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा, और ये x है, ये x लिख देंगे यहाँ पर भी x लिख देंगे। अब बीच में आपको साइन लगेगा तो गैर के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं संख्याओं को लिखूंगा, साइन भी लगाऊंगा, इसलिए 2x आपको ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगला स्टेप जो है ये रफ पद है, पहले पद और आखिरी पद का गुणा करना, 4 × 4, सिर्फ संख्याओं का, सिर्फ जो गुणांक दिए हैं उनका ही, जो संख्या कितनी है 4, यहाँ कितनी है 1, तो पहले पद की जो संख्या है और आखिरी पद की जो संख्या है उसका मुझे गुणा कर लेना है, तो 4 × 1 = 4। अब कंडीशन क्या है वो देखिएगा, ये जो बीच वाला पद है इसके मुझे टुकड़े करने हैं,
और ऐसे टुकड़े कर रहे हैं कि गुणा करें तो चार है और आखिर में साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो जोड़े तो ये बीच वाला गुणा करें तो क्या है चार और आखिर में साइन किसका है, प्लस का, तो जोड़े तो कितना है दो। क्या बोला, गुणा करने पर चार और जोड़ने पर भी चार, जोड़ने पर ये बीच वाला, बीच में जो भी पद होगा वो आना चाहिए, जोड़ने पर क्यों, क्योंकि आखिर में इसका निशान है, प्लस का निशान है। तो चार के टुकड़े हम करते हैं ऐसे, सबसे पहले शुरुआत आप दो से ही कर लें, दो में दो का गुणा होगा तो दो इंटू दो चार होगा, तो गुणा करने पर चार आ रहा है, जोड़ते हैं इन दोनों को, जोड़ूंगा तो दो प्लस दो चार, इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई, मुझे यही चाहिए था कि गुणा करने पर चार और जोड़ने पर भी चार, तो कंडीशन क्या है, दो और दो, तो ये मैंने दो इसके आगे लिखा और ये दो इसके आगे लिखा, प्लस है ये जो जोड़ने और घटाने वाली चीज होगी वो आपको यहाँ पर, ये दो आ गया एक्स के पास में, ये दो आ गया इस एक्स के पास में, और बीच में प्लस का निशान भी लगा होगा, यही अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, चार एक्स ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस दो एक्स प्लस वन, अब कॉमन निकालना है, इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन कॉमन निकालेगा, अभी तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है, कॉमन वही चीज होती है जो सभी में आए, इन दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, तो दो कॉमन आना, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, तो एक्स भी कॉमन आना, जो चीज कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे जिसमें से कॉमन निकाला है, चार एक्स स्क्वायर में से दो एक्स कॉमन निकाला, चार में दो का भाग लिया होगा दो बार जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग लिया होगा एक्स बार जाएगा, यहाँ प्लस कर सकते हैं, प्लस में माइनस का भाग लिया होगा माइनस, दो एक्स में दो एक्स का भाग लिया होगा कितनी बार जाएगा, जैसे दो में दो का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है एक बार, तीन में तीन का भाग लगाते हैं तो एक बार, उसी तरीके से दो एक्स में दो एक्स का भाग लगाया तो एक बार गया, समान पद में समान पद का भाग जब लगेगा तो आंसर हमेशा कितना आएगा एक आएगा, यहाँ जो भी साइन होगा ध्यान से देखिएगा, दो यहाँ है दो यहाँ नहीं है, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ नहीं है, तो न दो कॉमन आ रहा है न एक्स कॉमन आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन कितना आएगा एक, तो ये एक कॉमन है, जो चीज कॉमन ली उसका फिर भाग देते हुए चलते हैं, देखें ध्यान से, माइनस का भाग माइनस में लगाया है प्लस बन गया, दो एक्स में एक का भाग लगाएंगे तो दो एक्स ही आएगा, प्लस में माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस आएगा, एक में एक का भाग लगाएंगे, तो इस तरीके से हमने कॉमन निकाले, ध्यान से देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट हैं वो हमेशा समान आएंगे, सेम ब्रैकेट होने चाहिए, अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारी गलती है, इसमें हमने कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग किया है, तो जो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं वो ब्रैकेट आप एज इट इज लिख देंगे, एक ये ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दिया, जब ये ब्रैकेट हट गए तो पीछे क्या बचा, दो एक्स बचा और माइनस का वन बचा, इसको भी ब्रैकेट की फॉर्म में डाल के गुणे के रूप में लिख देंगे, वही चीजें से कॉमन निकालना, जैसे कॉमन निकाला यहाँ भी कॉमन ही निकला है, और इसको ऑलरेडी बता दिया सीधा सा, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आपके पास ब्रैकेट में वो आगे भी आ जाएगा, पीछे क्या बचा दो एक्स माइनस वन, उसको एक ब्रैकेट में डालकर गुणे की फॉर्म में, अब लेक्चर वही है गुणे की फॉर्म में आ गया तो सेपरेटली इसको जीरो के इक्वल करना है, अलग अलग सेपरेट करते हैं, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, या ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा, दो एक्स इज इक्वल टू वन, ये माइनस का है तो देखूंगा ये टू एक्स माइनस वन था उधर मिल गया प्लस का होगा, ये टू मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ गई, एक्स की आपके पास वन वैल्यू आ गई क्योंकि ये द्विघाती फंक्शन है। अब यहाँ पे सभी की जांच करनी है आपको,
सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं, एक पहला शून्य एक बटे दो है, दूसरा शून्य वन बाई टू है, इसका क्या करना है योग करना है तो प्लस वन हाफ एंड हाफ कितना होता है वन होता है, एक बटे दो प्लस एक बटे दो आधा और आधा कितना हो गया एक, राइट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए माइनस वन बाई बी, बी इक्वल टू एक्स का गुणा मेरा एक्स और एक्स का गुणा कितना है माइनस का चार, ये माइनस का चार और ए कितना है चार, सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस चार से ये एक पर माइनस माइनस प्लस हो गया और कितना बचा ए, देखें दोनों साइड्स कैसे आ गए इक्वल आ गए, यहां से हम शून्यों का गुणनफल भी कर सकते हैं शून्यों का गुणनफल, पहला शून्य कितना है वन बाई टू, दूसरा शून्य कितना है वन बाई टू, इसका क्या करना है गुणा करना, तो जब भी हम गुणा करते हैं अंश का गुणा अंश और हर का गुणा हर से, तो एक का गुणा एक से होगा एक और दो का गुणा दूसरे होगा चार, इसका फॉर्मूला क्या है c अपॉन a, c क्या होता है जहां x नहीं आता मतलब अचर पर, देखो x यहां है यहां नहीं है, इसका मतलब c कितना है a और a कितना है x स्क्वायर का गुणांक कितना है चार, तो 1 बाई 4 और 1 बाई 4 शून्यकों का गुणनफल दोनों साइड सेम आ गए, तो इस तरीके से हमने सत्यता की जांच करेंगे।